एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में कई बदलाव किए हैं, पर एक बदलाव ऐसा है जिसे लेकर एनसीईआरटी बुक्स के न्यू अपडेट बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। सिलेबस में बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लेते हुए उसे तीन गम्बद वाला ढांचा कहा गया है, जिसे लेकर अब कई तरह के तर्क वितर्क हो रहे हैं और तर्क वितर्क इतने बढ़ गए हैं कि यह बदलाव भगवाकरण किए जाने और भी अन्य धार्मिक आरोपों का सामना कर रहा है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि एनसीईआरटी के कौन से सिलेबस अपडेट कंट्रोवर्सी बनते जा रहे हैं और क्यों। नमस्कार, मेरा नाम आशी है और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 महाकौशल। एनसीईआरटी के नए सिलेबस में बाबरी मस्जिद के विध्वंस, भारत के साथ मणिपुर के विलय, गुजरात दंगों में मुसलमानों की हत्या, आर्टिकल 370 और आज़ाद कश्मीर के संदर्भ में बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि क्लास 11-12 की पॉलिटिकल और सोशल साइंस के अलावा और भी कई सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुए हैं। हालांकि एनसीईआरटी के अधिकारियों ने हटाए गए सब्जेक्ट्स पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। एनसीईआरटी ऑफिसर्स का कहना है कि ये चेंजेस रेगुलर अपडेट का हिस्सा है और न्यू सिलेबस फ्रेमवर्क CAF के अनुसार बुक्स में चेंजेस आए हैं। दरअसल 11th क्लास की बुक के 8 चैप्टर में पहले कहा गया था कि 2002 में गुजरात के गोधरा दंगे में 1000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, जिसमें अधिकतर लोग मुसलमान थे, जिसे बदलकर अब लिख दिया गया है कि हुए दंगे के दौरान 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। एनसीईआरटी का कहना है कि किसी भी दंगे में सभी समुदाय के लोगों का नुकसान होता है, इस तरह की घटना के लिए केवल एक समुदाय को रखा जाना ठीक नहीं है। ऐसे ही क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक में आर्टिकल 370 को हटाने के संदर्भ को शामिल करने के लिए एक पैराग्राफ को ऐड किया गया है। और इसी तरह एनसीईआरटी ने 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की बुक में अयोध्या विवाद से जुड़े कुछ अध्यायों में बदलाव किया है। बुक में बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लेते हुए उसे तीन गम्बद वाला ढांचा कहा गया है। नई बुक में अयोध्या विवाद को 4 से घटाकर 2 पेज में खत्म कर दिया है। उधर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का कहना है कि संघर्ष का हिस्सा हटाने से मंदिर आंदोलन के बारे में नई पीढ़ियों को जानकारी नहीं मिलेगी। पुरानी टेक्सटबुक में न्यूज़पेपर के आर्टिकल की तस्वीरें भी अब इन सभी पत्रों को हटा दिया गया है। हालांकि एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश चकलानी ने स्कूल के पाठ्यक्रम का भगवाकरण किए जाने के आरोप को नकारते हुए कहा है कि सिलेबस में सभी बदलाव साक्ष और तथ्यों के आधार पर किए जा रहे हैं। अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने जाने गुजरात दंगों से संबंधित बदलाव पर उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को इतिहास में हुए हिंसक घटनाओं के बारे में पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।